शो अनुपमा में आप देखेंगे कि अनुपमा और अनु छोटी बच्ची अनु से खूब गप्पे लड़ाएंगे। दूसरी तरफ समर ऑनलाइन डांस क्लासेस लेकर कमाई करने की कोशिश करेगा और यह देखकर तोशु की आंख में आंसू आ जाएंगे। तोशु समर की तारीफ करेगा और दोनों भाई इमोशन हो जाएंगे और दोनों अपने गिले शिकवे को दूर करेंगे। तोशु अपनी जॉब ढूंढने लग जाएगा। समर जाने अनजाने में वनराज को पापा कह देगा और तोशु भी वनराज को कहेगा कि वो और समर पूरा घर संभाल लेगा। दूसरी तरफ किंजल अपने बच्चे को लेकर काफी एक्साइटेड होती है और वो गिर जाती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता है। अनुपमा और अनुज अनाथ आश्रम में आकर काफी इमोशन हो रखे होते हैं। अनुपमा कहती है कि जिनके बच्चे नहीं होते वो हर दर पर जाकर बच्चे के लिए मिन्नतें मांगते हैं, लेकिन अनाथ आश्रम में आकर नहीं बच्चे लेते। अनुज समाज के कायदों को लेकर काफी गुस्साता है। अनुज अपने दोस्त के अनाथ आश्रम में एक बड़ी रकम दान करेगा। अनुज अपने दोस्त से रिक्वेस्ट करेगा कि वो अनु को बीच पर ले जाना चाहता है। अनुज अनुपमा से माफी मांगता है क्योंकि वो उस हनीमून पर अनाथ आश्रम लेकर आया, लेकिन अनुपमा उसे समझाएगी कि कैसे हनीमून में एक कपल एक दूसरे को जाना जाता है। अनुज अनुपमा अनु को घुमाने के लिए बीच पर लेकर आते हैं और अपना दिन एंजॉय करते हैं। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा अनुज की भाभी के साथ शॉपिंग मॉल में जाकर सामान खरीदती नजर आ रही है। थोड़ी सी शॉपिंग करने के बाद जब अनुपमा बिल का पेमेंट करने आती है तो उसे पता चलता है कि उसने 10,000 रुपए का सामान खरीद लिया है। अनुपमा ये सुनकर चौंक जाती है। वहीं भाभी के सामने ही बैग के पैसे बचाने के लिए अनुपमा अपना बैग निकालती है। अनुपमा को इस तरह से शॉपिंग मॉल में देख अनुज की भाभी परेशान हो जाती है। ऐसे में अनुपमा भी अनुज की भाभी को जवाब देते हुए कहती है कि शॉपिंग मॉल से सामान खरीदने से क्या सब्जी ज्यादा टेस्टी बनती है।